अर्शदीप सिंह शाहिन शाह से नीचे या ऊपर है ये बताओ? नीचे नीचे है ना। अर्शदीप सिंह अच्छा है या फिर शाहिन शाह अफरीदी? शाहिन लव है भाई, शाहिन लव है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अजान और आप देख रहे हो फिर से ए टू जेड किंग। भाई आज आपको बड़े टाइम बाद नजर आ रहा होगा क्रिकेट ब्लॉग हमारा, और यहाँ पे लोकल्स में थोड़ा बहुत रमजान में एक ना टूर्नामेंट लगा हुआ है बच्चों का जूनियर्स, तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ जूनियर्स मौजूद हैं, हमारे साथ खेल चुके हैं ये देखो भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई, कैसे हो? बढ़िया यार। मुझे ये बताओ कि अर्शदीप सिंह जो है इंडिया का बॉलर है, शाहिन शाह अफरीदी से कैसा कंपैरिजन है? शाहिन ज्यादा है, शाहिन ज्यादा है ना, तो अर्शदीप सिंह शाहिन शाह से नीचे या ऊपर है ये बताओ? नीचे नीचे है ना, इसका मतलब ये हो गया कि शाहिन शाह किंग है अर्शदीप के मुकाबले में। तो भाई इंडिया वालों सुन लो कि अर्शदीप तुम्हारा बहुत टाइम लगाएगा सीखने में, हमारा शाहिन वो चीज कर चुका है जो वो सीखेगा, जो उसकी गोल ऑफ विकेट है ना वो शाहिन शाह अचीव कर चुका है, शाहिन ले चुका है वो विकेट। तो क्या बोलना चाहोगे इंडिया में जो आवाम देख रही है हमारी कि भाई अर्शदीप सिंह को कितनी टिप्स लेनी पड़ेंगी और किससे लेनी पड़ेंगी जो वो शाहिन से ऊपर जा सके? अब शाहिन कोच तो बनेगा नहीं। तो खैर यार देखो, हर प्लेयर को हम इज्जत देते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हमारा पाकिस्तान है और पाकिस्तानी प्लेयर है शाहिन शाह अफरीदी, उसको हम ज़्यादा बोलेंगे। तो यहाँ पे लोकल्स में भाई हमारे साथ बहुत सारे जूनियर्स मौजूद हैं हमारे, और ये रमजान में कौन टूर्नामेंट करा रहा है भाई तुम्हारा? अफसार, अफसार नामी कोई शख्स है इनका जो यहाँ पे रमजानों में टूर्नामेंट कराता है असर की नमाज के बाद। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, और हम भी यहाँ पे माशाल्लाह से छोटे छोटे से थे और खेल खेल के हम बड़े हो गए इस जगह पे। तो ये ग्राउंड पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, घासें होती थी और लाइट्स होती थी, लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारा ये रेत जो है ना, रेत राज कर रही है। आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये ग्राउंड है, लेकिन यार बच्चे किस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं और पसीनों में खेल रहे हैं और ऐसी हालत में भी इस ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो यार इनको बहुत ज़्यादा जो है ना मोटिवेट करना चाहिए हमें। तो फिर दिखाते हैं आपको ग्राउंड का रिव्यू, ठीक है ना? जी हाँ गाइस, जी आप देख सकते हो ये हमारा जो है ना मिनी पार्क है, और इसकी हालत देखें क्या हो गई है। हम बचपन में छोटे से थे तो बहुत प्यारा होता था, बहुत प्यारा हुआ करता था, लेकिन ये अब इस खस्ता हाली का शिकार है, और अल्लाह ही रहम करे इस पर हमारे साथ साथ। ये देखें, ये बेचारा हमारे साथ खेलता था लेकिन इसको टीम से बाहर कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे सारे जूनियर मौजूद हैं और रमजानों में रोज़ा रख के खेल रहे हैं, और ये देखें सारे के सारे बच्चे, हमारा इसमें कोई चांस नहीं है क्योंकि ये सब बच्चे हैं, अगर हम आ गए तो फिर ये बोलेंगे नहीं यार हम जा रहे हैं, आप लोग ही खेलो अकेले। ये देखें गाइस, बिग फैन सर, बिग फैन, आपने अच्छा शॉट खेला था अभी भाई। ये देखो, ये क्या नाम है भाई? शहबाज, शहबाज यार इधर आओ, इधर आओ एक मिनट, कैमरे के आगे आओ, इधर आओ। ये तुम्हें किसने सिखाया? जी सर, ये तुम्हें किसने सिखाया? कुछ नहीं, हमारा खुद का कारनामा है। खुद का कारनामा है? नहीं भाई, क्या अगर एक मिनट कोई अगर इंडिया में तुम्हें ये सीखना चाहे तो कुछ सिखा दोगे उसको तुम? उनको हमारे पास नाइट में आना पड़ेगा, नाइट में सिखाते हैं हम थोड़ा ना ये चीजें। अच्छा राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा तुम क्या बोलते हो, अर्शदीप सिंह अच्छा है या शाहिन शाह अफरीदी? शाहिन लव है भाई, शाहिन लव है। अर्शदीप को कितना टाइम लगेगा शाहिन को अचीव करने में? अर्शदीप भाई को आना पड़ेगा नाइट में थोड़ा सा सीखना, उसको भी नाइट में आना पड़ेगा। भाई पाकिस्तानी खिलाड़ी है ना यार, पाकिस्तानी क्रिकेटर है तो नाइट ज्यादा अच्छा खेलते हैं, नाइट ज्यादा अच्छा खेलते हैं। देख लो यार, अच्छा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, व्लॉग देखने वाले भी बच्चे हैं। आना भी हो ना तो नाइट में आए भाई, नाइट में वो लाइट वाइट ज्यादा अच्छी होती है ना, अच्छी दिखती है, लाइट वाइट ज्यादा अच्छी होती है ना, नाइट में चमकती है, लाइट वगैरह ज्यादा अच्छी होती है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो लाइट ज्यादा पड़ रही है तो लाइट ऑफ कर दो, तो अंधेरे में भी थोड़ा मजा। अच्छा चलो, शाहिन शाह के लिए, मतलब शाहिन शाह के लिए क्या बोलना चाहोगे, अगर उसने तुम्हारी गलती से ये वीडियो देख भी ली तो ऐसा क्या वर्ड तुम उसको बोलोगे जो वो आते तुम्हें मिलने आ जाए कुरंगी? शाहिन भाई लव हो गया, आई लव यू शाहिन भाई, राजा मेरे वालिद होते तो शादी कर लो, शादी कानून पास हो चुका है। नहीं चले भाई, ये असल में गधों का कानून नहीं, ये मजा है, इंसानों का कानून है। चलो गाइज, आपको ग्राउंड का लुक देते हैं, देखें ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, और ये सारे जूनियर्स हैं, और असर की नमाज के बाद ये लोग खेलने आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ भाई, कुछ टूर्नामेंट के हवाले से बताओ, कैसा टूर्नामेंट जा रहा है ये? बस जो कमेटी थी वो तो कटने वाली है बड़ी जल्दी। अच्छा तो कितने मैच है यहाँ पे कमेटी में? ये भी शामिल है। अच्छा हो रहा है, अबे यार हार गए क्या है? असल में टीम में एका नहीं है, टीम में एका नहीं है, अकेले जो 200 रन मार के आऊं खा के आ जा 300 रन तो खा के सारे बैटिंग के चक्कर में। अच्छा बैटिंग के चक्कर में, जो मतलब गली मोहल्लों में चलता है मेरी बैटिंग आएगी, मेरी बैटिंग आएगी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
की टीम जीतेगी? अर्शियान जीतेगा। और ये जो हमारा ये खड़ा हुआ है ये तो पहली गेंद पर आउट होकर है। भाई साहब ये धोखे इतने बड़े सख्त हैं, इन्होंने 3 बोले डॉट करके 4th बॉल पर इनका एज निकल गया है। अच्छा मैच अलग हो गया ना, पिछले मैच भी तो मैंने जीता है ना, तुमने कितने मैच जीता ये बताओ। भाई हम छोटे मैच खेलते ही भाई, वो बोल रहा है मैं इंटरनेशनल खेलूंगा, मैं इंटरनेशनल खेलूंगा, इंटरनेशनल के नाइट में जाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। चले गाइस ये देखे, ये हमारा था जूनियर जो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं, और ये लोग असर की नमाज के बाद खेलने आ जाते हैं रोजे तक के। ये हमारे ग्राउंड का हाल है, और ये देखो ये चमकता हुआ जो पीले शर्ट में ना, एक मिनट भाई रास्ता दो जरा, ये देखो भाई, ये माशाल्लाह से हमारा एडिटर है ये। वालेकुम अस्सलाम हादी भाई, आपकी जो एडिटिंग है ना इंडिया तक जा रही है और बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। शुक्रिया। कौन कौन बोल रहे हैं? कमेंट में आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि भाई ऐसा एडिटर हमें चाहिए, बॉलीवुड की फिल्में एडिट करानी है। ऐसे भी एडिटिंग नहीं करता भाई मैं। अच्छा टूर्नामेंट के हवाले से बताओ, कौन सी टीम है तुम्हारी सही? कौन सी इस टूर्नामेंट खेला उसमें भी बैटिंग नहीं आई इसकी? अच्छा तो मतलब वो तो कमेटी है, वो ये तो बोल रहे थे कटने वाली है, वो कटने वाली है, क्या करे कराची भी कट गई ना। अरे चलो चलो कोई बात नहीं, तो मतलब सही चल रहा है, मजा आ जाता है रोजा रख के खेलने में, मजा आता है ना। अच्छा तो गाइस ये देखें, ये यहाँ पर हमारे सारे जूनियर मौजूद हैं और खेलने में लगे हुए, ये लोग अपनी मस्तियों में लगते हैं। और टूर्नामेंट इनका मेरे ख्याल है ईद तक के। भाई कब तक चलेगा टूर्नामेंट तुम्हारा? हो जाएगा एक दो दिन, कल तक खत्म है। विनिंग प्राइस क्या रखा है इन लोगों ने बताओ? 8 लाख रुपए। अरे बेहतरीन यार, और डायमंड की ट्रॉफी है भाई, ये यूके में डायमंड प्ले बटन घर पे हो जाएगा, बेहतरीन हो गया यार। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो ग्राउंड का हाल चल रहा है इस वक्त, ऐसा क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए कि यार पब्लिक हमारी अच्छी तरह खेल सके? ये जो हमारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, ये देखो मट्टी में पाँव मट्टी में हो जाते हैं, इनके घर जाते हैं, अम्मा जो ना मसाले देती है, पब्लिक को क्या करना पड़ेगा? नहीं पब्लिक को ये करना पड़ेगा, क्या ख्याल करे जब बना के दिया जाए तो ख्याल किया जाए। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, और मुश्किल से कुछ मिनट का बन चुका है क्योंकि आज हम खेल नहीं रहे थे और जूनियर्स खेल रहे थे, यहाँ पे जो बच्चे खेल रहे होते हैं। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कर देना, ठीक है? मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।